सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मीटो। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, इतने दिन से पबजी का कैंपिंग चल रहा है इंडिया में लॉन्च करने के लिए, और वो जो नाम होगा पबजी का नेम वो चेंज करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, सिर्फ इंडिया में लॉन्च करने के लिए उसका नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके रखा गया है। और उसको इतने दिन से कैंपिंग किया जा रहा था, बहुत सारा एडवर्टाइज भी हो रहा था इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहां पे हो सके वहीं पे भी वो पबजी का मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का लॉन्चिंग के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, एडवर्टाइज हो रहा था, कैंपिंग हो रहा था। तो फाइनली जो डेट 17 को उसका लॉन्चिंग हो चुका है, और वो भी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर हो गया, बड़े बड़े गेमर्स हो गया, उनके लिए ऑफिशियली डेट 17 को लॉन्च किया गया है। सिर्फ उन्हीं को वो एसएस दिया गया है, वो टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन, ठीक है। तो आज जैसे कि फ्रेंड्स डेट 18 है, और 18 में सभी के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, लेकिन उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे से अभी भी अंडर प्री रजिस्ट्रेशन चालू है, और जो भी प्री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आज जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, इस प्रोसेस से आप जो बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो डेट 18 से लेके, आप जब भी देखो तो वो बीटा वर्जन को आप डाउनलोड करके गेम खेल सकते हो। अर्ली एसेस वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तरफ से क्राफ्टन कंपनी लॉन्च कर रहा है इंडिया में, सिर्फ इंडियन पीपल्स के लिए, तो उनको अर्ली एसेस दिया जा रहा है। तो अर्ली एसेस आप कैसे ले सकते हो और डाउनलोड कैसे कर सकते हो, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मोबाइल स्क्रीन में जाऊंगा, पूरा एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो हो सकता है ये जो वीडियो है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, ताकि आपको पूरा जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग प्रोसेस आप देख सको, और आप डाउनलोडिंग करके आप गेम खेल सके। तो अभी जो प्रोसेस मैं करने वाला हूँ वो ऑफिशियल प्रोसेस है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके करूंगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें क्लिक करके सीधे उस वेबसाइट पे जा सकते हो, और बाकी सारा प्रोसेस आप मेरा वीडियो देख के कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हो, चले शुरू करते आज का वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मेरा जो मोबाइल स्क्रीन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाके जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसको सर्च करना है, ठीक है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्री रजिस्टर करना है, अगर आपका प्री रजिस्टर नहीं किया है तो प्री रजिस्टर सबसे पहले कर लेना है। जैसे कि मेरा प्री रजिस्टर मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे प्री रजिस्टर करके लिखाएगा। तो मेरा जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे प्री रजिस्टर है, तो मुझे दोबारा से इसको नहीं करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे इसको जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर को मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लूँगा, और मिनिमाइज़ करने के बाद हमारा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें सर्च करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सीधे उस लिंक में क्लिक करके भी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो, जैसे कि मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अभी सर्च करेंगे, ठीक है। तो सर्च करने के बाद जो मोबाइल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हमें लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, इस इंटरफेस में आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन आपको दिखेगा। अगर आप ब्राउज़र में लैपटॉप में कर रहे हो तो भी सेम प्रोसेस होगा, और अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी सोशल मीडिया में अपडेट चल रहा है, जो भी अपडेट्स आ रहा है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अर्ली एसेस नाउ, तो आपको अर्ली एसेस नाउ में क्लिक कर देना है। जब आप अर्ली एसेस नाउ में क्लिक करेंगे तो सबसे आपको यहाँ पे दिखाएगा कुछ डिटेल्स, आपको यहाँ पे लिखा हुआ तो आप पढ़ सकते हो। सबसे नीचे आपको लिखा होगा बिकम ए टीजर, ठीक है, बिकम ए टेस्टर, तो आपको बिकम ए टेस्टर में क्लिक करना है। अगर आप कुछ इस तरह का हीरो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, फिर से बैक करना है, फिर से आपको बिकम ए टेस्टर में क्लिक कर देना है। तो आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा देखिए वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम, पबजी को अभी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल कर सकते हो। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल करने के यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड, उसमें आपको क्लिक करेंगे तो सीधे आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा। तो प्ले स्टोर में लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे अभी भी देखिए अर्ली एसेस नहीं मिला है। तो अर्ली एसेस मिलने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, अगर जब आप बिकम ए टेस्टर में क्लिक करेंगे तो उस टाइम से लेके 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड इट ऑन गूगल पे अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो सीधे क्या होगा, प्ले स्टोर में लेके जाएगा, और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, मतलब इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा। तो हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट्स वेट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे, देखेंगे हमें जो इंस्टॉलेशन बटन है वो यहाँ पे मिला है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है, 10 से 15 मिनट के बाद ही आपको वो अर्ली एसेस मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं मिलता तो आपको 10-15 मिनट या फिर उससे ज़्यादा भी आपको वेट करना पड़ सकता है, वो आपको अपना मोबाइल के हिसाब से दिया जाता है, यूज़र्स
को रेक्टिफाई किया जाता है, उसके बाद वो दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अर्ली एसेस करके लिखा आ गया है और हमें इंस्टॉलेशन बटन भी आ चुका है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन बटन जो है उसमें हम क्लिक करेंगे और मोबाइल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अर्ली एसेस जो है वो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। पहले सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, अभी अर्ली एसेस करके भी लिखा आ रहा है। तो आपको 680 MB का डाउनलोड करना है, वो आप मोबाइल से नेटवर्क कर सकते हो या फिर वाईफाई से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपना मोबाइल नेटवर्क से करना है, ठीक है। तो उसमें हम क्लिक करेंगे और हमारा जो बटन है देखिए यहाँ पे आ चुका है, हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम प्ले बटन में क्लिक करेंगे और हमारा पबजी को हम मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, तो परमिशन आपको देना है, ठीक है। तो स्टोरेज परमिशन आपको यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पे स्टोरेज परमिशन दे दिया है, ठीक है। अलाउ उस पर कर देना है ताकि हमारा जो स्टोरेज परमिशन हुआ वो अलाउ हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अलाउ हो चुका है और हमारा जो प्रोसेस है देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे 42 MB का प्रोसेस होता है। और उसके बाद यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन का डाउनलोड करना है या फिर लो रेजोल्यूशन का, तो मैं लो रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूँगा और ओके में क्लिक कर दूँगा, हमारा लो रेजोल्यूशन का डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है तो आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, मतलब टोटली हमारा जो पबजी है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अभी होम बटन में जाएंगे और आपको दिखाएंगे हम अपना जो पबजी हमने मतलब बैटल का मोबाइल को इंस्टॉल किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही क्या होगा, हमारा जो क्राफ्टन के तरफ से जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च किया गया है वो यहाँ पे फाइनली शुरू हो चुका है। और हम यहाँ पे देखेंगे क्या प्रोसेस है, कैसे आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है पढ़ के, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विस जो है इसमें क्लिक कर देना है और अपना जो फेसबुक आईडी है फेसबुक आईडी से लॉगिन करना है। अगर आपका ट्विटर से लॉगिन किया गया था पहले तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। आप नया यूज़ कर रहे हो या फिर दूसरा पहले से आपका आईडी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फेसबुक से ही लॉगिन कीजिए। अगर आप पहले से आईडी बना हुआ है तो वो आप आईडी यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे और हमारा जो लॉगिन प्रोसेस है वो यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि फेसबुक से मैंने यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद हमें देखिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद ही देखिए एक वीडियो शुरू होता है, बहुत अच्छा लग रहा है वो वीडियो को हम पहले वीडियो देखते हैं। यहाँ पे स्किप बटन भी है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते। तो हम इस वीडियो को देखते हैं और इन्जॉय लेते हैं कैसा वीडियो है, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके लिखा आ चुका है। उस वीडियो के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, यहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है और यहाँ पे एक यूज़र आईडी दिखा रहा होगा, यूज़र आईडी आपको क्रिएट करना है। वो यूज़र आईडी आपको यूनिक क्रिएट करना है, ऑलरेडी अगर है तो आपको वो चालू नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ यूनिक कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका पहले से आईडी है तो आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे नाम उसका मैटर नहीं करता। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे अपना आईडी चूज़ कर लेना है कुछ यूनिक। अगर पहले से ही आपका आईडी बना है तो आप उससे कॉपी भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आईडी डाल दिया, उसके बाद क्रिएट में क्लिक कर दिया, क्रिएट में क्लिक करते क्या हुआ, हमारा जो आईडी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे डायरेक्टली शुरू हो चुका है लोडिंग, ठीक है। लोडिंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे यू गॉट जो रिवॉर्ड्स दिया जाता है वो यहाँ पे कॉपी ओके कर देंगे। उसके बाद अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। आपका पहले से आईडी बना है तो अकाउंट में से आपको कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए येस प्लीज़ कंटिन्यू आपका डाटा ट्रांसफ़र, यहाँ पे आप एग्री करते हो कि आपका जो डाटा होगा वो यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेने के बाद क्या होगा, 31 दिसंबर के बाद 2021 31 दिसंबर के बाद आप डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अगर आप पबजी खेलना चाहते हो, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलना चाहते हो, तो पबजी से आपका जो भी डाटा है डाटा को मोबाइल इंडिया में लॉगिन करके आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो आप क्या होगा पबजी अच्छी तरीके से नहीं कर, मतलब आपका जो डाटा होगा वो पूरा डाटा लॉस्ट हो जाएगा अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो।
तो आपको कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको डाटा ट्रांसफर जो होगा प्रोसेस, इसमें आपको यस कर देना है। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो भी डाटा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पे, ठीक है। वहाँ पे भी आपको फेसबुक से ही लॉगिन करना है, तो हम यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर लेंगे। फेसबुक को सिलेक्ट करके अपना जो फेसबुक आईडी एंड पासवर्ड है यहाँ पे हम डालेंगे। फेसबुक आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद क्या होगा, आपका जो भी डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस लिखा हुआ, तो आपको यह हमें यस कर देना है और आपका जो भी डाटा ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे यस कर देना है, आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है। डाटा ट्रांसफ़र शुरू हो प्रोसेस जो शुरू हो होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लिखा हुआ, देखिए, कंग्रेचुलेशंस, योर डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर टू योर अकाउंट ऑन दी न्यू ऐप ऑपरेट बाई कफ्टन, ठीक है। तो आपका जो डाटा प्रोसेस है, जब जो भी डाटा पबजी में पहले था, जैसे कि टेंशन के साथ जो लिंक था, वो डाटा आपको यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। तो कॉपी होने में कम से कम देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगता है। तो आपको 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जो भी आपका डाटा होगा ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि डाटा ट्रांसफ़र इन प्रोसेस प्रोग्रेस, प्लीज़ कम बैक आफ्टर 16:58:10 के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं, 16:59, तो हम जैसे कि 59 आ चुका, तो हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और हमारा जो डाटा होगा वो डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। देखिए, गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम, आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हो तो यस करना, नहीं तो आपको यहाँ पे नो में क्लिक कर देना। तो जैसे कि हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे पूरा प्रोसेस मेरा यहाँ पे पबजी फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना पबजी अर्ली एसेस को डाउनलोड कर। अभी हम जो पबजी है, पबजी हम खेल सकते हैं इजीली। मैंने पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया दिया, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो पबजी मोबाइल है, जैसे कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंडियन गेम, मैंने अभी डाउनलोड करके दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखाया कैसे आप लोग डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप दूसरे पबजी, जो पहले वाला पबजी आप खेल रहे थे, उसका डाटा आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, और जो भी नाम है वो सेम टू सेम आपका नाम रहेगा, और जो भी डाटा है, जितना भी डाटा है, या फिर अगर आपने रॉयल पास लेके रखे हो तो रॉयल पास भी आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, और आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को पूरी तरीके से इंडिया में खेल सकते हो। और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल गेम है ये सिर्फ इंडियन वर्जन है, सिर्फ इंडिया में ही खेल पाओगे, उस कंट्री के बाहर वो कभी भी नहीं खेल पाओगे। अगर आप VPN यूज़ कर सकते हो सकते हो VPN यूज़ करके, इंडिया का VPN यूज़ करके आप उस गेम को खेल पाओ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी क्वारीज है, डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, फेसबुक लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली DM भी कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।